वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि स्कीप जो कभी ट्रैक से उतर जाए या टेढ़ा हो जाए, और जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्कीप है ये जो टेढ़ा हो चुका है, तो ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में हम इसको सीधा कैसे करें, एक साइड से बाहर निकल जाए या रोलर बाहर निकल जाए, तो उसको सीधा कैसे करें, उसको ट्रैक में वापस कैसे ले आएँ, उसी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ चैन पुल्ली की ज़रूरत पड़ती है, जो चैन पुल्ली होता है जिसके माध्यम से हम खींचते हैं, उस चैन पुल्ली का हमको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये दूसरे साइड का भी जो यहाँ पे जो रोलर है वो ट्रैक में है और ऊपर का भी है, और सिर्फ यहाँ पे ये एक साइड का बाहर आ गया है। यहाँ पे आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे जो रोलर है बाहर है और दूसरा रोलर यहाँ ट्रैक में है, तो ये जो बाहर है, तो अब इसको वापस से ट्रैक में लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चैन पुल्ली की ज़रूरत है। और उसको किस प्रकार से लगाएंगे, उस चैन पुल्ली को यहाँ पे ये जो होल है इस होल से लेके बांधेंगे और उसको ऊपर फिक्स करेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे चैन पुल्ली को देखिए, यहाँ पे चैन पुल्ली को बांध लिए हैं, तो यहाँ पे चैन पुल्ली को यहाँ पे इस प्रकार से बांध लेना है, जो चैन पुल्ली की जो खींचने वाली है उसको बांध लेना उस वाले चैन में। और उसके बाद दूसरा जो इसको चैन पुल्ली को लटकाने का करना है व्यवस्था, तो यहाँ पे ऊपर में इस तरह से चैन पुल्ली को लटका सकते हैं। तो यहाँ पे जब चैन पुल्ली को लटकाएंगे, यहाँ पे चैन पुल्ली को जो एंगल है एंगल में लटकाने के बाद, फिर इसके बाद क्या करना है, इसको हमको खींच के टाइट करना है। इसको जब हम खींच कर टाइट करेंगे तो ये फिर वापस से जो ये इसी साइड का उठाना है, जिस साइड का ये रोलर जो बाहर निकला है इसी साइड का हमको जो है ऊपर को खींचना है। जैसे ऊपर को हम खींचेंगे तो ये सेंटर पॉइंट होके फिर ये वापस से ट्रैक में आ जाएगा। थोड़ा और स्कीप को टेढ़ा करेंगे और दूसरे साइड का रोलर यदि थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसको सब्बल की सहायता से उसको हम उसको पोजिशन में ला के रखेंगे कि थोड़ा सा या हिला देंगे तो ट्रैक में आ जाता है। कभी यदि दूसरे साइड का भी थोड़ा बहुत आउट है, तब अब स्कीप बहुत ज़्यादा ही इधर से उधर हो गया है, तो उसके लिए फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इस तरह से सिर्फ रोलर बाहर है नीचे मटेरियल आने की वजह से, और यहाँ पे जो ये नीचे मटेरियल आया है उसकी वजह से जो स्कीप है जो ट्रैक से बाहर हो गया है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है जब गेट में पत्थर फंसे हों और मटेरियल बहुत ज़्यादा गिर जाए, उस कंडीशन में जब स्कीप ऊपर चला जाता है तब ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसको इस प्रकार से जो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।